ठीक है। तो देखिए चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम बिजी के अंदर सबसे पहले मैं उसी कंपनी को ओपन करता हूँ जिस कंपनी को मैंने कल बनाया था। मैंने कंपनी कल बनाई थी ई ड्राइव में अशोक चौधरी के नाम से। तो मैं यहाँ पर अशोक चौधरी ऊपर है उस कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ और कहाँ जाता हूँ ओपन कंपनी में। तो मैं यहाँ से ओपन कंपनी में आया मेरी। हाँ बोलिए। स्क्रीन अब स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब आ गई स्क्रीन आप लोगों को। नीरज स्क्रीन दिख रही है अब। आगे स्क्रीन तो सर स्टार्ट करें अब। ठीक है तो देखिए हमारे साथ अभी एक नीरज नाम का लड़का और जुड़ रहा है, ठीक है, दिल्ली से। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है हेलो नीरज। ठीक है चलो सर हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक। तो कल जो हमने सीखा था उससे आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो हमारा कल का टॉपिक था किस तरह से बीजी के अंदर हम लोग सेल परचेज करते हैं। आज बीजी के अंदर हम सेल परचेज पेमेंट रिसीव भी सीखेंगे। तो देखिए मैं एक डाटा ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ क्योंकि आगे कंपनी बनाने में टाइम लगता है। तो मेरी जो कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है इंटेक्स। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कंपनी बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंटेक्स और फिर मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। अब आपको ये कंपनी बनाते वक्त डिटेल तो देनी नहीं है ना कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ डालनी है क्योंकि मैंने आपको दो दिन से ये बता रहा हूँ। बतानी सर प्रसाद जी। हेलो ये तो नहीं बताना है ना कि इसके अंदर आईटी पिन कार्ड नंबर क्या होता है या ये क्या नंबर होता है। ठीक है सर तो देखिए मैं डाटा ओपन करता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर सर आपके कुछ अपने सेल्फ भी एग्जाम्पल हो या कुछ भी हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उससे क्या होगा मैं आगे भी उसको डिस्कस कर सकता हूँ और किसी से भी। एक मिनट दीजिएगा सर मैं दिखाता हूँ कंपनी। चल देखिए मैं आपको दो दो एंट्रियाँ समझा देता हूँ ना इसके अंदर। मेरे को डाटा नहीं मिला तक मेरी कंपनी बनती मैं एक बार डाटा ढूंढ लेता हूँ। देखिए सर प्रसाद जी। हेलो
हेलो महेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, हेलो हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना आई यूज़र आई पासवर्ड डाला। तो देखिए सर, जब हमने कल नॉर्मल जो सेल पर्चेस सीखी थी, अब उससे आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्कैप करता हूँ। अब देखिए, मेरा डाटा डिफरेंट है। यहाँ मेरे पास जो कंपनी है ना, उसके, नमस्ते, उसके अंदर मुझे क्या करना है सर, इसके अंदर मुझे डिस्काउंट भी देना और कोई अदर एक्सपेंस भी मुझे डालने। जैसे मैंने 1 तारीख को मैंने जेड ए नाम पार्टी से क्या करा, 1 तारीख को जेड ए LCD TV टोनर IT 1935 खरीदा है, जिसकी शो क्वांटिटी 1350 रुपये की परचेज प्राइस था और सेल प्राइस कितना था, 550 रुपये का। अब उसके हमें 10% हमने उस पर डिस्काउंट दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, परचेज के अंदर। कहाँ आते हैं, सबसे पहले मैं परचेज करी, तो मैं यहाँ से परचेज पे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद तारीख कितनी है, यहाँ तारीख डाली, मेरी तारीख कितनी है, 1/4/2014 है। कितना है मेरे पास, 1/4/2014। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/4/2014, लेकिन जब मैंने यहाँ 14 लिखा तो एक मैसेज आया है जिस पर लिखा है वाउचर डेट इज आउट ऑफ रेंज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा कितने साल है, 1/4/2017 का है। कितना है मेरा फाइनेंशियल ईयर, 1/4/2017 का है, ठीक है। कितने का है, 17 का है। अगर मैं यहाँ कंपनी बनाऊंगा, और मेरा डाटा कब का है, 14 का है, इसका मतलब मैंने जब डाटा बनाया था वो डाटा कब का बना हुआ था, 2014 का, और जो मैंने कंपनी क्रिएट करी वो कब की है, 2017 की। तो मैं पिछले डाटा की कोई भी एंट्री अब नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 17 लिख दिया। वाउचर नंबर कितना है, वाउचर नंबर इसमें 1 है। वाउचर नंबर मैंने कल ही बताया था, वाउचर नंबर एक तरह का प्रूफ होता है जो आपके और मेरे बीच में एक ट्रांजेक्शन करने का सबूत होता है। अब पार्टी का नाम क्या है इसमें, पार्टी का नाम है जेड ए। क्या नाम है, जेड ए। तो मैंने जेड ए बनाया, तो जेड ए नाम की मेरे पास कोई पार्टी नहीं है। जब मेरे पास इस नाम की कोई पार्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, F3। तो मैं यहाँ F3 करूंगा और क्या लिखूंगा, जेड ए, और ग्रुप में डाल दूंगा संडी क्रिएटर। F3 से एक नई पार्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, F3 करते हैं। क्या करते हैं, F3 करते हैं एक नई पार्टी बनाने के लिए। और जब भी हम परचेस करते हैं तो उसके ग्रुप में हमेशा हम क्या डालते हैं, संडी क्रिएटर्स। क्या डालते हैं, संडी क्रिएटर्स। संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं, ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। और फिर आपके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी है, उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, या फिर आप 2 बार F2 करके इसको सेव भी कर सकते हैं। हो गया सेव। उसके बाद माल रखना कहाँ है, तो मैंने बोला माल मेन स्टोर पर रखना है। तो मैं आज मेन स्टोर पर ना रख के माल फर्स्ट फ्लोर पे या रैक वाइज रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर F3 करा, मैंने बनाया एक रेक, रेक नंबर 1, ठीक है। ये मेरा मैं सारा माल कहाँ पर गया, रेक में। तो कैसे बनाया मैंने इसको, F3 करके मैंने इसको क्रिएट करा। उसके बाद देखिए क्या आइटम मैंने परचेज करी है, तो मैंने क्या आइटम परचेज करी है, इससे LCD TV टोनर आइटो 1935। उसके बाद मैंने यहाँ पर F3 से बनाया, लिखा LCD TV क्या था, टोनर, टूनर IT 1935, ये डाल दिया। अब ये मेरे पास पीस में ना के नंबर ऑफ सिस्टम में आता है, NOS में आता है। किस में आता है, मेरे पास NOS में आता है। तो मैं यहाँ पर F3 का लिखा NOS, जिसको हम F3 से, देखो मैंने एक नई यूनिट बनाई है, तो बिजी में कुछ भी बनता है वो F3 से बनता है। बस आपको सोचना ये कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ आप F3 करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपकी एक नई यूनिट क्रिएट होगी। जैसे मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, NOS, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिस्टम। एक पीस का सेल प्राइस कितना हमारा, 1550, और परचेज प्राइस कितना हमारा, 1350। तो हम इसको डाल के 2 बार F2 करके फटाफट ही हम इसको सेव करते। देखिए गलती से मुझसे F4 बटन, F1 बटन दब गया, जिससे मेरी हेल्प खुल के आ गई और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी, 100, तो मैंने यहाँ पर 100 डाल दी। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने, DVD TV टोनर। तो मैं यहाँ पर F3 से बनाऊंगा DVD TV, ठीक है, टूनर IT कितना था, 1999। इसको भी किस में डाल दूंगा, NOS में, 1550 और 1350, और F2 करके मैं सेव करूंगा। कितनी क्वांटिटी की सेल करी है मैंने इसमें, सॉरी देखो सर, एक गलती हो गई मेरे मुझसे। गलती क्या हो गई, मुझे यहाँ पर बनाना था 1945 और मैंने बना कितना लिया, 99.9। गलती हो गई यहाँ से। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पे
ओल्ड प्लस एम कर दें। क्या करेंगे, ओल्ड प्लस एम किसी भी आइटम को मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है। क्या होती है, किसी भी आइटम को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या दबा सकते हैं, ओल्ड प्लस एम। तो मुझे यहाँ पर जाके क्या कर दूंगा, ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई हुआ, उसके बाद मैंने उस आइटम का नाम करके 1945 करा और दो बार F2 करके सेव कर दिया। अब गलती हुई, जब भी आपको गलती होगी तो उसमें F9 करना कंपलसरी है। करना इसलिए कंपलसरी क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसमें जो चेंज होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। कितनी क्वांटिटी खरीदी, 150, तो यहाँ पे 150 डाल दो, आ गया। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने, टीवी टोनर IT 1999, तो मैं यहाँ पर F3 करूँगा, लिखूंगा क्या, F3 टीवी टीवी टोनर IT 1999। ये किस में आ रहा है, NOS में, फिर 1350 और 1550, तो मैं इसमें 1550 डाल के सेव कर दूँ। F2 से फटाफट सेव करेंगे, कितनी क्वांटिटी 2000, तो 200, तो 200 डाल देंगे। तो हमने जेड पार्टी से कितने लाख का माल उधार में खरीद लिया नीरज, 6,07,500 रुपये का माल मैंने उधार में खरीदा है। और इसके बाद हम इसको F2 करके भी सेव करेंगे। पहली बार देखिए F2 का तो मैं डायरेक्ट नीचे आ गया, लेकिन अब जैसे हमने कल सीखा था अब वैसे सेव नहीं करें, क्यों, क्योंकि इसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 10% का डिस्काउंट। प्रमोद और सौरभ दो मिनट उठ के आ जाना, यहाँ पर डिस्काउंट लिखा हो, डिस्काउंट कितना 10%, तो मैंने यहाँ कितना डाल दिया 10%, कितना डाल दिया मैंने यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब मैंने जेड पार्टी से मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट कितना हो गया मेरा 60,750 रुपये। तो पहले देने थे उसको मुझे 6,500 रुपये, इसमें से माइनस कितना कर दिया मैंने 60,750 रुपये, तो अब एक्चुअल में मुझे ZA को कितना बैलेंस पे करना है, 5,46,750 रुपये, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये देखिए सेफ हो गया मेरा बिल। जैसे ही सेफ होगा तो हमेशा ये फर्स्ट टाइम वार्निंग आएगी जिसपे आपको बताएगा पार्टी विदाउट पिन नंबर। ये सर ये पॉपअप का मतलब क्या होता है, पॉपअप का मतलब ये है कि आपने जो बिल खरीदा है उस बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर है। तो आपको अगर याद होगा मैं जी, तो मैंने 1 अप्रैल गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2015 में एक ऐसा रूल निकाला था, उन्होंने बोला था कि अगर किसी बिल का अमाउंट क्या, किसी बिल का अमाउंट 1.5 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, तो उस पार्टी का आपके पास IT पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, IT पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। इस जब ये रूल पास हुआ था तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक पे बैठे थे, हड़ताल करी थी। जो सोने वाले हैं वो कहते थे कि जो भी मेरा बिल होता है वो तो ऑलमोस्ट 1 लाख का तो बन ही जाता है। क्या बन जाता है मेरा, 1 लाख का तो बन ही जाता है, ठीक है, 1 लाख का बिल तो बन ही जाता था। तो इसलिए ये पॉपअप आ रहा है, ये जो पॉपअप आपको बता रहा है कि आपने जो परचेज करी है उसका बिल 2 लाख से अबव है। तो या तो आप इस पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर डालिए, तो IT पैन कार्ड नंबर कहाँ से डालते हैं, आप इसमें होल्ड प्लस एम कीजिए और यहाँ पर जाके आप पार्टी का जो भी IT पैन कार्ड नंबर होगा वो डाल सकते हैं। क्लियर है, कोई इश्यू इसमें आपको, ठीक है। तो आपको इस पॉपअप का मतलब समझ में आ गया, इस पॉपअप का मतलब क्या होता है, इस पॉपअप का मतलब है कि अगर ये बिल का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, अपना नंबर नहीं। जैसे जो इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसको हम सेव कर देंगे, देखिए हमारा बिल सेव हो गया, हो गया सेव। उसके बाद तारीख कितनी है, 2 तारीख है, पार्टी का नाम वाउचर नंबर 2 है, पार्टी का नाम क्या है, वी है। तो सबसे पहले देखेंगे वी नाम की हमारे पास पार्टी है कोई नहीं है, तो क्या करेंगे F3 और लिखेंगे वी। ग्रुप में क्या डाल देंगे, SUN संडी क्रिएटर। संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं, ये हमारे वो लोग होते हैं जो उधार में माल खरीदते, हम जिनसे खरीदते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है। और दो बार F2 करके सेव कर दूँ, सेव हो गया। उसके बाद मैंने क्या आइटम खरीदी है इनसे, माउस विद वायर खरीदा, तो F3 से बनाऊंगा पहले। देखो माउस नाम के मेरे पास कोई आइटम नहीं है ना, तो F3 करूंगा, लिखूंगा माउस विद वायर। किस में आ रहा है मेरे पास, ये हमारा मीटर में आ रहा, तो यहाँ पर हम मीटर ले लेंगे। कितने रुपए का हमारे पास प्राइस है इसका, 450 और 450, दो बार F2 करके हम इसको सेव करेंगे। कितनी क्वांटिटी 200, तो 200 डाल देंगे यहाँ पर। फिर मैंने क्या आइटम खरीदी, माउस, तो नॉर्मल यहाँ पर लिखूंगा F3 से। माउस मेरे पास एक ही है जिसमें क्या है, मेरे पास माउस विदाउट वायर है, विद वायर है, एक मुझे बनाना है क्या माउस, तो मेरे पास माउस नाम के आइटम नहीं, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, F3 करके बनाएंगे। तो F3 करेंगे, क्या लिखेंगे माउस, और इसमें डाल देंगे मीटर में, या फिर आप पीस में भी डाल सकते हैं, 550 और 450 डाल के F2 करके आप
सेव कर दीजिए। कितनी क्वांटिटी 200, तो 200 डाल दीजिए। उसके बाद एक आइटम हमने और खरीदी, क्या है वो, माउस विदाउट वायर। तो F3 से बना लेता हूँ माउस विदाउट वायर और इसको मैं पीस में डालता हूँ 550 रुपये और 450 रुपये डाल के मैं सेव करता हूँ। सेव हो गया, कितनी क्वांटिटी 200, तो यहाँ पर 200 डाल देता हूँ। तो वी पार्टी से मैंने कितने का माल खरीदा है, 2,70,000 रुपये का उधार में खरीदा है। कितने परसेंट डिस्काउंट लगा है मुझ पर, 10%। तो मैं F2 से आके यहाँ पर डिस्काउंट डाल दूंगा, कितना 10%। इसका मतलब इस बिल में मुझे 10% की छूट मिली है। मतलब कितने की छूट मिली है, 27,000 रुपये की। बिल था पहले 2,70,000 रुपये का, 27,000 माइनस कर दूंगा, बिल कितना ले जाएगा, 2,43,000 रुपये का। और इसको सेव कर दूंगा। जैसे सेव होगा ये पॉपअप आएगा। इस पॉपअप के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कब आता है, जब आपका बिल 2 लाख से ऊपर होता है। और सेव कर देंगे। इसके बाद किस पार्टी से मैंने माल खरीदा है, YM से खरीदा है। कितने, 1 तारीख को। तो यहाँ पर 1 तारीख लिखा, वाउचर नंबर कितना है इसमें, 3। पार्टी का नाम क्या, YM। तो यहाँ पर YM नाम की पार्टी है मेरे पास नहीं, तो F3 करूंगा, लिखूंगा YM, ग्रुप में सिंडिकेटर्स डालूंगा और फटाफट जैसे मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, उसको सेव कर देंगे। अब क्या आइटम खरीदी मैंने, एक CP विद वायर खरीदी, एक CP विदाउट वायर खरीदी और एक CP न्यू। तो पहले F3 से बनाया, मैंने लिखा CP विद वायर, ठीक है, ये पीस में आ रही है। एक पीस की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपये और 4,000 रुपये। तो यहाँ पर 4,000 रुपये डाल के मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया, कितनी क्वांटिटी, 40 हो गया, ठीक है। देखिए गलती हुई, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने ओल्ड प्लस M करा, उसके अंदर गया, ठीक है, और जब गलती हो गई और फिर मैंने उसमें चेंज करा, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे वन टाइम F9 करना भी होगा। तो मैं यहाँ पर वन टाइम F9 करूंगा, फिर लिखूंगा CP विद वायर। कितना मेरी क्वांटिटी है, 100, तो 100 डालूंगा। उसके बाद मैंने क्या करा, CP विदाउट वायर। तो F3 से बनाऊंगा CP विदाउट वायर। किस में आ रही है, पीस में, तो पीस डालूंगा 50 रुपीज और 500 और 5000 और 4000 और इसको F2 करूंगा। कितनी क्वांटिटी, 100। फिर मैंने एक और आइटम बनाई, क्या, CP न्यू। तो F3 करा, मैंने क्या लिखा, CP न्यू। ये किस में आ रही है मेरे पास, पीस में, तो पीस डालूंगा 50 रुपये, 5,000 रुपये और 4,000 रुपये डाल के सेव करूंगा। कितनी क्वांटिटी, 100। तो मैं 100 डाल दूंगा, हो गया, और इसको सेव करूंगा। तो इसका मतलब मैंने कितने लाख का माल खरीद लिया इससे, 12 लाख रुपए का मैंने इससे उधार में माल खरीदा। इसको सेव करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा। और इसको सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले ध्यान दीजिए, कितने परसेंट डिस्काउंट लग रहा है हमारा, 25%। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट डाल दूंगा, कितना, 25%। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे, 3 लाख रुपए का। इसको सेव कर दूंगा, तो मेरा बिल सेव हो गया। लिस्ट देखनी है तो लिस्ट की शॉर्टकट की होती है F5। तो आप यहाँ से F5 से लिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, किस पार्टी से मैंने माल खरीदा है, तो इसके बाद मैंने PA से माल खरीदा है। क्या, किससे खरीदा है, PA से 4 तारीख को। तो मैं यहाँ पर 4 तारीख लिखूंगा, बाउचर नंबर कितना है इसमें, 11, तो 11 डालूंगा। पार्टी का नाम क्या है मेरा, PA। तो यहाँ पर F3 बनाऊंगा PA, ग्रुप में क्या डाल दूंगा, संडी क्रिएटर्स कौन होते हैं, ये मेरे वो लोग होते हैं जिनसे उधार में माल खरीदते हैं, उनको मुझे पैसा देना होता है। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने इसे, मॉनिटर इंटेक्स कंपनी। तो मैं यहाँ पर F3 से बनाऊंगा मॉनिटर इंटेक्स कंपनी, ठीक है। किस में आ रहा है, पीस में, तो पीस 50 रुपये। क्या रेट है यहाँ पर हमारा, ये हमारा रेट है 4,100 रुपये और 4,000 रुपये। और इसको F2 करके सेव करा, कितनी क्वांटिटी, 150, तो 150 डालूंगा। उसके बाद मॉनिटर हमारे पास LG कंपनी का, तो F3 बनाया मॉनिटर LG कंपनी। ये किस में आ रहा है, पीस में, तो पीस डालेंगे, रेट हमारा वही है 5,000 रुपये और 4,100 रुपये। सेव करा, कितनी क्वांटिटी है हमारी, 250, तो 250 डालूंगा। देखिए यहाँ HP LG कंपनी का, तो LG कंपनी मुझे डालना पड़ेगा। उसके बाद मॉनिटर HP कंपनी का, तो F3 से बनाऊंगा मॉनिटर HP कंपनी। ये किस में आ रहा है, पीस में, तो पीस डालूंगा 5,000 रुपये और 4,000 रुपये, और दो बार F2 करके सेव करूंगा। कितनी क्वांटिटी है, 250, तो 250 डाल के सेव करूंगा।
इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है मुझे, 12.5%। तो F2 से नीचे आऊंगा वन टाइम, यहाँ डिस्काउंट लिखूंगा कितना, 12.5%। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 3,28,000 रुपये का, और इसको सेव कर दूंगा। सेव करूंगा तो वही पॉपअप आएगा जो मैंने बताया था। उसके बाद मैंने 5 तारीख को बिल नंबर 15 पार्टी का नाम ऐसे, तो ऐसे नाम की मेरे पास कोई पार्टी नहीं, तो क्या करूंगा F3। तो यहाँ पर F3 करा तो क्या लिखा, ऐसे, और ग्रुप में क्या डाल दिया मैंने, संडी क्रिएटर, इसको नो करा और 2 बार F2 करके फटाफट मैंने सेव कर दिया। क्या आइटम मैंने इस पर खरीदी है इससे, UPS इंटेक्स कंपनी। तो F3 करूंगा, लिखूंगा UPS इंटेक्स कंपनी। किस में आ रहा है, पीस में, तो पीस 50, कितना रेट है इसका, 5,000 और 4,000 डाल के सेव करूंगा। कितनी क्वांटिटी है, 50, तो 50 डालूंगा। पार्टी का नाम कितना है, नेक्स्ट आइटम है UPS LG कंपनी, तो F3 से बनाऊंगा UPS LG कंपनी। तो किस में आ रहा है, पीस में 50 रुपये, 40 रुपये और सेव, सॉरी गलती हो गई, मुझे रेट डालना था 5,000 और 4,000 रुपये। तो मैं क्या करूंगा इसमें, ओल्ड प्लस एम करूंगा, जिससे क्या होता है हमारा बिल मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ गया ओल्ड प्लस एम करा, यहाँ पर दोबारा मैंने कितना करा, 5,000, 4,000 और 2 बार F2 करा। गलती हुई है तो उसी के लिए आप F9 करेंगे, फिर UPS LG कंपनी, कितना क्वांटिटी है, 25, तो 25 डालेंगे। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने, मॉनिटर PPS कंपनी का, तो मैंने F3 से बनाया मॉनिटर PPS कंपनी। किस में आ रहा है, पीस में, तो पीस डाला 5,000, 4,000 और 2 बार F2 करके सेव करा। कितनी क्वांटिटी, 50, तो 50 डाला। इसके बाद मैंने क्या खरीदा है, UPS HP कंपनी, तो F3 से बनाया UPS HP कंपनी। किस में आ रहा है हमारे पास, पीस में 50, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, 50, तो 50। उसके बाद 10% डिस्काउंट है, तो यहाँ पर डिस्काउंट डाल दूंगा 10%। उसके बाद इसी में लगाए फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, मतलब माल आने का किराया जो उसने हमसे लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, कितना, 500 रुपये। तो देखो जैसे ही मैंने करा तो बिल कितने का बन गया मेरा, 6,05,000 रुपये, और इसको मैं F2 से सेव कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी परचेज कंप्लीट हो गई। अगर आपको लिस्ट देखनी है तो लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, F5 होता है, लिस्ट के लिए आपका क्या बटन होता है, F5। F5 से हम यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। या आपको बिल नंबर 15 में मॉडिफाई करने, तो कहाँ जाएंगे आप, मॉडिफाई, बिल नंबर 15 डालेंगे तो क्या होगा, वह आपका ऑटोमेटिक मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से आपको अगर लिस्ट देखना है तो आप यहाँ से सब लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सेल करनी है तो आप नॉर्मल सेल में आइए। देखिए मैंने बोला सेल के पहले मैंने बोला कि मैंने कुछ माल वापसी करा, क्या करा है, कुछ माल वापसी करा है 20 तारीख को बिल नंबर 15 का, किस पार्टी का, जेड ए का, एस ए का। तो मैं यहाँ पर परचेज रिटर्न में आया, तारीख सिलेक्ट करी 20, पार्टी का नाम था ऐसे, जैसे ही पार्टी का नाम डालूंगा एक पॉपअप मारूंगा तो एक पॉपअप आएगा जिसमें मुझसे ये बाउचर नंबर पूछेगा। जैसे ही बाउचर नंबर डालूंगा तो ये बताएगा आपने इससे माल कब खरीदा था, 15 तारीख को, और सॉरी 5 तारीख को, और सेव कर दूँ। कह रहा माल कहाँ से वापसी करोगे, मेन स्टोर पर तो रखा नहीं है माल, तो कहाँ रखा है, रैक 1 पर, तो यहाँ पर रैक डाल दूंगा। क्या आइटम वापसी कर रहा हूँ इस पर, PPS कंपनी, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा PP। तो कितनी पीस कर रहा हूँ, 5 पीस, तो 5 पीस आ गए। उसके बाद क्या आइटम वापसी करी है मैंने, HP कंपनी का वापस करा है, क्या वापस करा, UPS, तो यहाँ पर UPS डाल दूंगा 5 पीस। तो कितने का मैंने माल वापसी कर दिया मैंने इसको, 4,000 रुपये का, और इसको सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने 21 तारीख को किसको वापसी करा है, PA को, तो यहाँ पर PA डाल दिया, ऑलरेडी पार्टी बनी हुई थी, वाउचर नंबर कितना है, 11, तो यहाँ 11। जैसे ही एंटर मारूंगा डेट बताएगा आपने परचेज कब करी थी। उसके बाद आपने क्या आइटम खरीदी है, मॉनिटर इंटेक्स कंपनी का वापसी कर रहे हैं, कितनी पीस वापसी कर रहे हैं, 25 पीस, तो 25 डालेंगे। फिर आपसे क्या वापस कर रहे हो इसे, मॉनिटर LG कंपनी का, कितनी पीस वापसी कर रहे हैं, 10 पीस, तो 10 डालेंगे। उसके बाद क्या वापसी कर रहे हैं, मॉनिटर HP कंपनी का, कितनी पीस वापसी कर रहे हैं इससे, 09, तो यहाँ पर 09। कितने का माल वापसी कर दिया हमने, 1,77,000 रुपये का हमने इसको माल वापसी कर दिया। ठीक है महेश जी, समझ आ रहा है, हेलो, ठीक है सर, आ रहा समझ में सर, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर स्टॉक नेगेटिव आ रहा है। अब स्टॉक नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैंने वापस क्या करा है इसको, मैंने मॉनिटर HP कंपनी का वापस करा है 9 पीस, तो यहाँ HP कंपनी का 9 पीस है। ठीक है, फिर यहाँ कौन सा कंपनी का है, 250 पीस है, तो ये मेरा नेगेटिव जा रहा है। अभी नेगेटिव जा रहा है, इसको वापस ही जाने के लिए पहले देखेंगे परचेज में सही एंट्री करी है। तो मैं यहाँ परचेज में जाने की शॉर्टकट की होती है F9, मैंने यहाँ से F9 दबाया,
फिर मैं F5 से लिस्ट दबाया और मैंने यहाँ देखा जो मैंने मॉनिटर LG कंपनी का खरीदा, देखो यहाँ गलती हो गई मुझसे। गलती क्या हो गई, मैंने दोनों जगह इंटैक्स कर दिया, ठीक है महेश जी। तो उसमें हमें जबकि करना क्या था, हमें HP कंपनी करना था, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, HP कंपनी और सेव कर दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए मैं दोबारा इस पर एंटर मारूंगा, देखिए मेरे पास स्टॉक आ गया और इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट तारीख हमारी 21 है, वाउचर नंबर 3 था, पार्टी का नाम YM है, एंटर मारूंगा, वाउचर नंबर 3 डालूंगा। देखो ऑटोमेटिक बताया आपने परचेस कब करी था उससे, 1 तारीख को। क्या पार्टी का नाम क्या है इसमें, आपने क्या वापसी करा इसको, CP न्यू कंपनी, तो यहाँ पर CP न्यू कितना 60 पीस, तो यहाँ पर हमने 60 पीस डाल के सेव कर दिया, ठीक है। यही बोल रहा है कि आप 2,40,000 से ऊपर का माल वापसी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या वापसी करा है, 2 नंबर बिल 21 तारीख का, तो मैं यहाँ पर 21 तारीख लिखा, वी है, जैसे ही इंटर मिला तो यहाँ वाउचर नंबर पूछा, मैंने 2 डाला, तो इसने देखो 2 नहीं 2 होगा, तो इसने बताया कब परचेज करा आपने इससे, 2 तारीख को। क्या वापसी कर रहे हो आप इसको, तो मैंने बोला इसको माउस विद वायर वापसी कर रहा हूँ, तो माउस विद वायर डाला मैंने यहाँ पर, कितनी पीस, 20 पीस, तो यहाँ पर 20 पीस डाल दी। उसके बाद माउस, तो मैंने यहाँ माउस लिखा, कितना पीस आपकी, 20, तो यहाँ पर 20 डाला। फिर क्या पीस वापसी करी मैंने, माउस विदाउट वायर, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, माउस विदाउट वायर, कितनी पीस, 19, तो यहाँ पर 19 डाल के सेव कर दिया, ठीक है। तो ये आप देखिए मेरा यहाँ स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर स्टॉक गलत आ गया, यहाँ माउस का स्टॉक सही दिखा रहा है, हाँ माउस का सही दिखा रहा है, वायर का सही दिखा रहा है, हाँ वायर का सही दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा ये गलत है। फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट करेंगे, F9 करेंगे, फिर यहाँ पर F5 करेंगे और कहाँ जाएंगे, मोनिटर वाले पे, ठीक है। इसमें मोनिटर की जगह मुझसे गलती से, ठीक तो है मुझसे, फिर क्या गलती हो रही है यहाँ, इसे माउस है, सॉरी हमें माउस पे जाना था, दो जगह मुझसे माउस हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माउस विदाउट वायर और इसको सेव करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप इस पर एंटर मारेंगे तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, सेव हो गया, ठीक है सर। अब इसके बाद सेल करनी, तो हम जाएंगे कहाँ पर, सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपको सेल करनी, तो यहाँ से सेल पे कर दीजिए, अब लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेल करनी है, तो हमें सेल के लिए आगे आए, तो देखिए सेल जैसे कल मैंने सिखाया था उसी तरह से आपकी सेल होती है। अगर आप मैजिक कर लेंगे सेल, मैं इतना होमवर्क आपके लिए छोड़ दूं। हेलो 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 मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ सेल का, आप करके दिखा देंगे मुझे, कर लोगे, ठीक है सर, सेल कर लोगे तो मैं आगे आपको पेमेंट रिसीव समझा देता हूँ, ठीक है ना। फिर आप ये सेल लेटर मुझे करके दिखाएंगे ध्यान से, मैं अभी आपको अभी आपके सामने ये भेजा हूँ, कल भी रह गया था और अब भी रह गया था ये डाटा। पहले हमारे पास रिसीव आती है, तो पहले हम रिसीव के बारे में समझेंगे कुछ, रिसीव तो है नहीं, मैं डायरेक्ट पेमेंट ही समझा देता हूँ और इसमें रिसीव भी आपको समझाऊंगा। अब मैंने पेमेंट करी है 21 तारीख को, किसको करी है, जेड को, कितने की, 5,000 रुपये की। जब मैंने पेमेंट करी तो मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्ट पेमेंट में जाऊँगा, तो पेमेंट में आऊँगा, सबसे पहले तारीख सिलेक्ट करेंगे, कब करी हमने 21 तारीख को, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, 21 तारीख। अब डी का मतलब होता है जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, क्या होता है, जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है, डेबिट, जिसके पास से पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। तो इस समय किसको पैसा मिल रहा है, जेड को पैसा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर जेड डाल दूँ, नहीं पेमेंट में वाउचर नंबर नहीं आएगा। अब जेड को कितना पैसा देना है, तो 5,46,750 रुपये मुझे देने, और दे कितने रहे इसमें हम इसको, 5,000 रुपये, तो यहाँ कितना डाल देंगे हम लोग, 5,000 रुपये। हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैश। इसका मतलब और इंटर मार देंगे, जैसे मैं सेव करूंगा, तो इसका मतलब देखो जेड का बैलेंस कितना था, 5,000 रुपये, पहले बैलेंस था जेड का 5,46,000 रुपये, जैसे मैंने इसको 5 लाख दिए तो बैलेंस कितना रहेगा इसका, 5,41,000 रुपये। नीचे देखिए आप लोग यहाँ पर, अभी देखो जैसे इस तरह तो 5,46 था, मैंने 5,000 रुपये दिए तो बैलेंस कितना रहेगा, 5,41, और इसको सेव कर देंगे, हो गया सेव, क्लियर।
इसके बाद मैंने क्या पेमेंट करी है, मैंने वाई ए को, एक्स ए को पेमेंट, वाई ए को पेमेंट करी है 3,000 रुपये की। तो वही यहाँ पर वाई ए डाल दीजिए, एक्स ए था नहीं, वाई एम होगा, वाई एम को कितने की पेमेंट करी, 3,000 रुपये की। तो यहाँ पर 3,000 रुपये डालेंगे, ग्रुप में कलेक्ट देंगे कैश, तो ये मेरा सेफ हो जाएगा। हो गया सेफ, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? उसके बाद मैंने वाई ए को 3,000 रुपये की एंट्री क्या करी, 5,000 रुपये का चेक दिया है बैंक से। तो मैं यहाँ पर 21 तारीख को ही दिया है, तो मैंने यहाँ पर वाई ए लिखा, ठीक है, वाई एम 5,000 रुपये का। अब बैंक से चेक दिया है, बैंक तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने F3 करके एक नया बैंक बना लिया, किस नाम से, PNB डाल देता हूँ, ठीक है, और ग्रुप में बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से जुड़ा, तो यहाँ बैंक अकाउंट, और इसको सेव कर दूंगा। कितना, और जब भी आप बैंक अकाउंट से पैसा देंगे तो नरेशन में आप जरूर चेक नंबर लिखेंगे, क्यों, जब हम बाद में चल के आपको बैंक रिकंसिलेशन करना सिखाएंगे तो उसमें आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे पता ही चलेगा ना उसमें, तो आपको यहाँ पर साथ साथ चेक नंबर भी लिखना है, ठीक है। तो जब भी आपको पैसा देना हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले उस पार्टी का नाम डालेंगे और नीचे कैश या बैंक जो आप जैसा पैसा दे रहे हैं वो डालेंगे, ये आपकी पेमेंट होती है। अगर सपोज आपने किसी को सैलरी दी है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरी कितने दिए, 2,000 रुपये, यहाँ पर सैलरी और आपके ऐसे क्या गया, कैश। नरेशन में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, ठीक है, नीरज, जो आपको नाम डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ये आपकी पेमेंट हो गई, क्लियर हो गया सर। अब देखो मेरा कैश बैलेंस नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि क्योंकि कंपनी लगाते वक्त मैंने पैसा नहीं लगाया, ठीक है। ये तो आपकी पेमेंट की एंट्री, जब भी आपके ऐसे पैसा जाएगा तो आप मेन मोटिव रखेंगे उसकी एंट्री हम कहाँ से करेंगे, पेमेंट से। जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री हम कहाँ से करेंगे, रिसीव से। तो रिसीव में देखिए, जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमारा डी ऊपर आ रहा था, क्या आ रहा था, हमारा डी ऊपर आ रहा था। जब हम रिसीव कर रहे तो हमारा क्या हो रहा है, सी ऊपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जिसके पास से पैसा जाता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो बीजी ने आपको एक फैसिलिटी दी है, आपको बस हमेशा ये सोचना है कि जब भी मैं जिसको पैसा दूंगा हमेशा उसका नाम ऊपर रखना है, ठीक है, और जब पैसा जाए या आए वो हमेशा नीचे आएगा। तो ये आपको कॉमन बना कॉन्सेप्ट बनाया, अगर आपको अकाउंट्स भी नहीं आती ना तब भी आप इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सर। तो इस काम को मैं यहीं रोक रहा हूँ और कल इसी काम को आगे फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखिए, मैं इस कंपनी की लोकेशन है सी ड्राइव में, यूजर के अंदर, ए के सी के अंदर, पिक्चर के अंदर, लोकल डिस्क के अंदर से मैंने इस कंपनी को बनाया है। कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी देखिए, हाँ, दो कंपनी, हाँ ठीक 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 देखिए सर का क्वेश्चन ये है कि सर ये चाहते हैं कि इनमें सर को दो कंपनी देखनी, जैसे इनकी आपकी कंपनी है ना, JSR और GSR, दोनों कंपनी को ये हायर करना चाहते हैं, मतलब इन कंपनी को ये देखना नहीं चाहते, ठीक है। अब यहाँ पर तो लिखा है शो फाइनेंशियल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फाइनेंशियल दिखता है, इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी MB दिखती है, मुझे कंपनी नहीं देखनी, क्या नहीं करना, मुझे कंपनी नहीं देखनी। लेकिन आप ऊपर देखिए आपकी लोकेशन कहाँ पर है, C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, AKC के अंदर, पिक्चर के अंदर, लोकल डिस्क के अंदर मेरी कंपनी रखी हुई है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, विंडो ई करूंगा, कहाँ जाऊंगा, पिक्चर के अंदर जाऊंगा, पिक्चर के अंदर क्या था, लोकल डिस्क, और कंपनी का कोड क्या है, C2, ये तो मेरी कंपनी का कोड है, C2 और C1, कितना कोड है मेरा, ओ सॉरी 2 और 1। तो मेरे जो आगे 2 है ना, इसको F2 से ओपन करूंगा, इसके आगे से मैं यहाँ पर P हटा दूंगा, क्या हटा दूंगा, खाली P, जैसे ही P हटाऊंगा वहां से मेरी कंपनी दिखना गायब हो जाएगी। F2 करूंगा, यहाँ से P हटा दूंगा तो मेरी कंपनी देखिए वहां से दिखना गायब हो जाएगी। मैं इंटर करूंगा तो मेरी कंपनी एक ही दिख रही है खाली, और आपको कभी वापस लाना है तो आप यहाँ पर जाके P लगा देंगे, P से कंपनी हाइड हो जाती है, ठीक है, आ गई। अगर देखिए मैं यहाँ भी P लगा दूंगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक है सर। क्लियर हो गया सर, और कोई क्वेश्चन है आपका? सर अभी 2 मिनट आप मेरे सामने रहिए, मैं आपके सामने नोट्स को मेल कर जाऊँ, रोज रह जाता है फिर वो दिक्कत रहती है, अब मैं चेक भी नहीं कर पाता आपने होमवर्क करा नहीं करा, तो मैं आज सबसे पहले आपके सामने आज इस नोट्स को मेल कर देता हूँ। हेलो सर, अगर कोई और भी ऑनलाइन लेने के लिए इंटरेस्ट हो सर प्लीज़ बताना।
देखिए मैं आपको नोट्स मेल कर रहा हूँ, और साथ साथ इस यूट्यूब पे इसका आपका URL भी मेल कर देता हूँ आपको। सर आपकी मेल आईडी क्या है? हेलो सर, आपकी मेल आईडी कौन सी है इसमें? फर्स्ट वाली है आपकी, क्योंकि मैं मेल ना एक्सेल से भेजता हूँ, मैं यहाँ से नहीं भेजता ना जीमेल से। ठीक है जाइए। एमबी ज़्यादा नहीं होगी, देख लेता हूँ, ज़्यादा होगी शायद इसलिए ना जा रही हूँ। 185 MB की है, नहीं जाएगी सर। तो फिर चलो कर मैं ना, हाँ चलो मैं कल ना आपको जो आज का डाटा है ना वही दे देता हूँ खाली आपको, ठीक है ना। पेज नंबर इसमें हमारा कितना है? ये आपका 70, पेज नंबर देखिए 51, ठीक है। एंड में फिर आपका 51 के बाद कितना था? 51 है यहाँ से, नहीं 24 है एंड में, फिर आपका यहाँ भी 36 है, लिख लो 24, 36, फिर 48 और 53। और कितना है? 24,